वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। आज है 14 सितंबर 2018 और 14 सितंबर 2018 की करंट अफेयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन ये था, हाल ही में उलान बतार में शुरू हुए नोमैडिक एलिफेंट 2018 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में उलान बतार में शुरू हुए नोमैडिक एलिफेंट 2018 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हो रहा है। आंसर हो जाएगा सी आपका, भारत मंगोलिया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, हाल ही में खबरों में रहे देश के पहले मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे देश के पहले मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा डी आपका। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में नई समग्र योजना पीएम आशा की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, हाल ही में नई समग्र योजना पीएम आशा की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य है उपज के लिए उचित मूल्य। आंसर हो जाएगा बी आपका, उपज के लिए उचित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा एक नए वेब पोर्टल की शुरुआत की गई जिसका नाम है। तो दोस्तों, हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा एक नए वेब पोर्टल की शुरुआत की गई जिसका नाम है रेल सहयोग। आंसर हो जाएगा सी आपका, रेल सहयोग। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अमित पंगल को इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया, इनका संबंध है। तो दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अमित पंगल को इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इनका संबंध है बॉक्सर से। आंसर हो जाएगा सी आपका, बॉक्सर। अगला क्वेश्चन, 12 सितंबर को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पुरुष में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों, 12 सितंबर को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पुरुष में भारत पहले स्थान पर है। आंसर हो जाएगा आपका ए, पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो तेज गेंदबाज हैं वो हैं जेम्स एंडरसन, जो कि टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है ग्लेन मैकग्रा। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत और किस देश ने मिलकर 3 परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने मिलकर 3 परियोजनाओं की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा सी आपका, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना दोनों ने मिलकर 3 परियोजनाओं की शुरुआत की है। ये 3 परियोजनाएं कुलेरा, शाहबाजपुर खंड का पुनरुद्धार और भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति और अखौरा अगरतला रेल लिंक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के फर्जीवाड़े के मामलों की जांच करने के लिए किसने एक सूची पीएमओ को सौंप दी है। तो दोस्तों, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के फर्जीवाड़े के मामलों की जांच करने के लिए रघुराम राजन ने एक सूची पीएमओ को सौंप दी है। आंसर हो जाएगा बी आपका, रघुराम राजन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के फर्जी वाड़े के मामले की जांच करने के लिए एक सूची पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर खोला है। तो दोस्तों, साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने भारत के बेंगलुरु में दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर खोला है। आंसर हो जाएगा बी आपका, बेंगलुरु। साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने भारत के बेंगलुरु शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर खोला है ताकि कंपनी को स्मार्टफोन के बाजार की दुनिया में दूसरे नंबर पर ला सके। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार कौन सी कंपनी पेमेंट बिजनेस से जुड़े फाइनेंशियल डेटा को भारत में स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार
गूगल कंपनी पेमेंट बिजनेस से जुड़े फाइनेंशियल डेटा को भारत में स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। आंसर हो जाएगा सी आपका, गूगल। अमेरिका की आईटी कंपनी गूगल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार पेमेंट बिजनेस से जुड़े फाइनेंशियल डेटा को भारत में स्टोर करने के लिए तैयार हो गई है। डेटा को स्टोर करने के लिए गूगल ने आरबीआई से 1 से 2 महीने का समय मांगा है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय एआई के लिए आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को किस शहर में स्थापित करने के लिए नीति आयोग, इंटेल और टीआईएफआर ने सहयोग किया है। तो दोस्तों, परिवर्तनीय एआई के लिए आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बेंगलोर में स्थापित करने के लिए नीति आयोग, इंटेल और टीआईएफआर ने सहयोग किया है। आंसर हो जाएगा सी आपका, बेंगलोर। परिवर्तनीय एआई के लिए आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बेंगलोर शहर में स्थापित करने के लिए नीति आयोग, इंटेल और टीआईएफआर यानी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। ये केंद्र अनुप्रयोग आधारित शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एआई तकनीकों का विकास करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, आशा और आंगनबाड़ी श्रमिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी इस वर्ष के किस महीने से लागू हो जाएगी? तो दोस्तों, आशा और आंगनबाड़ी श्रमिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी इस वर्ष के अक्टूबर महीने में लागू हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बी आपका, अक्टूबर। पीएम मोदी ने आशा और आंगनबाड़ी श्रमिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जो कि इस वर्ष के अक्टूबर महीने से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने आशा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि को दोगुना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की राशि को 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने का फैसला किया है। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा को अधिक क्षमता के साथ कितने वर्ष बाद दोबारा शुरू किया गया? तो दोस्तों, भारत के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा को अधिक क्षमता के साथ कुल 9 वर्ष बाद दोबारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा डी आपका, 9 वर्ष। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वार्क ने कहा है कि भारत के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा को अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद दोबारा शुरू किया गया है। दोबारा शुरू किए गए इस अप्सरा रिएक्टर के मॉडल को अप्सरा अपग्रेडेड, अप्सरा न्यू के नाम से जाना जाएगा, यानी कि ये अब अप्सरा न्यू के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मतपत्रों से नोटा विकल्प को हटाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मतपत्रों से नोटा विकल्प को हटाने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा सी आपका, चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के मतपत्रों से नोटा विकल्प को हटाने की घोषणा की है। इंडिया में नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर किसने हाल ही में रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर रेल मंत्रालय ने रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा बी आपका, रेल मंत्रालय। पीएम मोदी के विजन 2022 तक नए भारत के निर्माण से प्रेरित होकर रेल मंत्रालय के केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में रेल सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा देश के कारोबारी समूह अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह रेल के माध्यम से कर सकेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने में फिलिस्तानी मिशन पीएलओ कार्यालय को बंद करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने में फिलिस्तानी मिशन पीएलओ कार्यालय को बंद करने की घोषणा वाशिंगटन डीसी में की है। आंसर हो जाएगा बी आपका, वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में फिलिस्तानी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ कार्यालय को बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि पीएलओ ने इसराइल के साथ सीधी और सार्थक बातचीत की शुरुआत आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों, आज की कुछ का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये कि हाल ही में देश का सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर को 9 साल बाद फिर से शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है नंदिनी, बी अप्सरा, यू सी इंद्र, डी इंडिया।